फाइनली मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं करने वाली हूँ फिर से फायरलेस कुकिंग। सो आज मैं बनाने वाली हूँ वो चीज जो आप सबको पसंद है, वो है सैंडविच। सो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और किचन में चलते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने ले लिए है 4 ब्रेड्स एंड मैंने यहाँ पर कुकुम्बर एंड टोमेटोज भी कट कर लिए है। और अभी हमें रेडी करना है सॉस जो हमें सैंडविच के लिए लगेगा। सॉसेस रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है टोमेटो केचप, शेजवान सॉस और मेयोनीज। तो चलो अब इन तीनों को हम कर लेते हैं जल्दी से मिक्स। तो सॉसेस रेडी करने के लिए फर्स्ट मैंने लिया है टोमेटो केचप एंड उसके बाद हम डालेंगे शेजवान सॉस। और शेजवान सॉस की क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि वो बहुत स्पाइसी होता है, जिससे आपका सैंडविच स्पाइसी भी हो सकता है। सो मैंने इसकी क्वांटिटी 3 स्पून्स रखी है एंड फिर मैं इसमें ऐड करूँगी मेयोनीज, जिसकी क्वांटिटी मैं रखूँगी 2 स्पून्स। और चलो जल्दी से ऐड कर देते हैं मेयोनीज, फिर इन्हें मिक्स भी तो करना है। मुझे तो सैंडविच रियली बहुत पसंद है, आपको पसंद है क्या कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो चलो जल्दी से कर लेते हैं इसे रेडी। यहाँ पर मैंने शेजवान सॉस, मेयोनीज एंड टोमेटो केचप को 2 स्पून इसमें डाल दिया है और अब हम करेंगे इसे मिक्स। तो चलो जल्दी जल्दी से इन तीनों को हम मिक्स कर देते हैं क्योंकि मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा है। और मैंने तीनों को अच्छी से मिक्स कर लिया एंड अब आती है हमारी ब्रेड की बारी। हम इस ब्रेड के ऊपर हमारा बनाया हुआ सॉस अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने इस पर सॉस अप्लाई कर लिया है और अब हम इस पर डालेंगे कुकुम्बर एंड टोमेटोस। तो हम इसमें स्टफिंग के लिए वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं और मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ कुकुम्बर और टोमेटोज। तो अब मैंने इसमें स्टफिंग डाल दी है। सो अब हम दूसरे सैंडविच को इस सैंडविच के ऊपर रख देंगे। फाइनली मेरा सैंडविच रेडी है, मुझे तो बहुत ही भूख लगी है, मैं तो जा रही हूँ खाने। आप भी जल्दी से आ जाइए खाने, मैं तो जा रही हूँ सैंडविच खाने। बाय फ्रेंड्स।